के साथ बीजापुर से बड़ी खबर, जहां खेत में आईडी ब्लास्ट से दो बच्चों की मौत का ये मामला सामने आया है। आपको बता दें कि खेत में खेल रहे दो मासूम बच्चों की मौत हुई है। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव का इस पर बयान सामने आया, उन्होंने बताते चले कि ये बताया है कि नक्सलियों ने खेत में आईडी लगाया था। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के बोड़गा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू कराते चले, जहां आपको बता दें कि खेत में आईडी ब्लास्ट से दो बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। खेत में खेल रहे दो मासूम बच्चों की मौत हुई है, आईडी ब्लास्ट के चलते मौत की जानकारी सामने आई। तो वहीं बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने इस पर बयान देते हुए बताया कि नक्सलियों ने खेत में आईडी लगाया था। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के बोड़गा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में सीएम साई ने भी संज्ञान लिया। उन्होंने ट्वीट करके इस पूरे मामले को लेकर कहा कि ये खबर दिल को दहला देने वाली है। दो मासूम बच्चों की जान गई है, मासूम मृत बच्चों के परिजनों के साथ संवेदनाएं व्यक्त की और साथ ही साथ नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की यहां पर बात भी ट्वीट के माध्यम से सीएम द्वारा कही गई। नक्सलियों ने लगाया था आईईडी, एसपी की तरफ से बयान दिया गया। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के बोड़गा गांव का ये पूरा मामला है। खेत में आईईडी ब्लास्ट से दो बच्चों की मौत की खबर सामने आई। खेत में खेल रहे दो मासूम बच्चों की मौत हुई है आईईडी ब्लास्ट से। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव का इस पर बयान सामने आया। तो वहीं बीजापुर की घटना पर सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख जताया है। उन्होंने बीजापुर की घटना पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, बीजापुर जिले के बड़े बोड़गा गांव के एक खेत में नक्सलियों द्वारा आईडी लगाया गया। भैरमगढ़ थाना अंतर्गत बोड़गा गांव है, जो कि इंद्रावती नदी के उत्तर दिशा में है, वहां का मामला है, जिसमें अभी प्रारंभिक सूचना मिली है कि नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी में दो नाबालिग बालक थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उसके पश्चात जैसे ही सूचना मिली, हमने ग्रामीणों से संपर्क किया और ग्रामीणों से संपर्क करके वो जो उनके शव है उसको मंगाया जा रहा है, और उसके बाद उसमें जो आगे की उचित वैधानिक कार्रवाई मर्ग कायम कर किया गया है।